अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आ ही गए हैं तो वीडियो पूरी देख कर जाइएगा, और अगर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा और मैं गारंटी देता हूँ कि लाजमी फ़ायदा ही होगा। और इसके अलावा जनाब, मैं हूँ आपका चैनल होस्ट अहमद रफ़ीक, और आप सब लोगों को अपने चैनल अहमद टेक स्टूडियो पर खुश आमदीद कहता हूँ। चले आएँ, आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे सामने एक पीसी पड़ा है जिसका आज हम रिव्यू करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त पीसी है, लिनोवो कंपनी का पीसी है जनाब, थर्ड जनरेशन पीसी है और इसका मॉडल है M72E। और जनाब थर्ड जनरेशन पीसी है और इसके अंदर इस टाइम i5 प्रोसेसर लगा हुआ है। हमारे तमाम कामों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, यानी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह और गेमिंग और स्ट्रीमिंग, तमाम कामों के लिए अच्छे तमाम काम किए जा सकते हैं इसमें। बहुत ही ज़बरदस्त पीसी है और यानी इतना कॉस्टली भी नहीं है और बहुत ही प्यारा पीसी है, बहुत ही शेप इसकी बहुत ही प्यारी है। और चले हैं इसका फिज़िकल रिव्यू शुरू करते हैं कि क्या इसके अंदर लगा हुआ है, और देखते हैं सामने से। देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक आ रही होगी, ब्लैक, पूरी ब्लैक शेप में, ये सिल्वर का कम्बिनेशन नहीं है इसके अंदर। ऊपर से हल्का सा काट है यहाँ पर डीवीडी रूम की जगह, और ये इसकी USB पोर्ट्स हैं, ये साउंड इनपुट आउटपुट हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका ये ऑन ऑफ का बटन है, ये लाइनिंग हुई है उसके गिर्द सिल्वर की। और पीछे से देख लेते हैं, ये पावर सप्लाई का एरिया, ये डिस्प्ले का एरिया है, ये हमारी PS2 स्लॉट्स हैं, ये यहाँ पर USB स्लॉट्स हैं, ये लाइन कार्ड है, और ये हमारी साउंड इनपुट आउटपुट है। और अब इसको अंदर से देख लेते हैं इसके अंदर क्या लगा हुआ है। ये जनाब जस्ट इसका कोई लॉक नहीं है, इसको जस्ट हमें यहाँ से पकड़ कर थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश करना होगा तो ये खुल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो हमारे पास रैम की स्लॉट्स हैं, यानी इसके अंदर हम दो रैम लगा सकते हैं। अच्छे पीसी आजकल जितने भी आ रहे हैं उसके अंदर आमतौर पर दो स्लॉट्स ही मिल रही हैं, चार भी मिल रही हैं, दो भी मिल रही हैं, तो इसका ये होता है कि हमें मैक्सिमम रैम लगानी होती है। तो यहाँ पर देख लें, इसका कूलिंग फ़ैन है, नीचे इसका सिंक है, और इसके नीचे है इसका हम प्रोसेसर लगा हुआ है, ये पावर सप्लाई है। यहाँ पर देख लें, ये एरिया है हार्ड ड्राइव्स और मुख्तलिफ चीज़ें लगाने का। यहाँ पर ये एक हार्ड ड्राइव लगी हुई आपको नज़र आ रही होगी, ये SATA केबल से कनेक्टेड है, और यहाँ पर ये डीवीडी रूम लगा हुआ है, यानी इसके अंदर काफ़ी सारी स्पेस है हार्ड ड्राइव लगाने के लिए। हम 4 से 5 हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं एट अ टाइम। तो जनाब चले आएँ, इसको चलाकर देखते हैं कि इसके अंदर क्या लगा हुआ है, चले आएँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तमाम केबल प्लग इन हो चुके हैं, अब हम इसको ऑन करने जा रहे हैं। मैं ये इसका बटन प्रेस कर रहा हूँ ऑन ऑफ का, ये प्रेस किया, ये ऑन हो गया, क्योंकि लिनोवो का पीसी है तो ये F1 से BIOS सेटअप में जाएगा। ये जस्ट एक सेकंड में अभी BIOS सेटअप में चला जाएगा। मैंने F1 प्रेस कर दिया, LCD एडजस्ट कर रही है इमेज के लिहाज से, और हमने इंटर किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसकी ब्रांड आईडी है, मॉडल नेम है ThinkCentre M72E। तो ये हमारे ब्रांड आईडी है। अब हम सिस्टम समरी पर इंटर कर देते हैं, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इंटेल कोर i5 प्रोसेसर लगा हुआ है, 3470 या थर्ड जनरेशन को शो कर रहा है, 3.720 GHz हमारी प्रोसेसर की पावर है, 1 GB रैम लगी हुई थी, DDR3 फैमिली से बिलोंग करता है, और हम यानी 2 स्लॉट्स थी हमारी रैम के लिए। तो जनाब ये था आज का हमारा रिव्यू, और जनाब अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि जनाब एक कंप्यूटर का चैनल है उस पर रिव्यूज़ आते हैं, लैपटॉप के भी रिव्यूज़ बहुत जल्दी आने शुरू हो जाएंगे, ताकि वो भी सब्सक्राइब कर सकें और हमारे जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो सकें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।